खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान, खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज, सबसे पहले सबसे तेज सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर हर दिलों में अपना रंग घोलेगा, जी हाँ बीएनबी सच है तो बोलेगा। मोटरसाइकिल सवार ने स्कूटी सवार युवक को मारा टक्कर, गंभीर रूप से हुआ घायल। घटना बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग के खंडोली स्थित घटी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोटरसाइकिल सवार युवक गिरिडीह के तरफ से बेंगाबाद की ओर जा रहा था, वहीं स्कूटी सवार युवक बेंगाबाद से गिरिडीह की ओर जा रहा था। वहीं घटना स्थल खंडोली पर्यटन के मुख्य द्वार पर सामने से आ रहे दोनों का भिड़ंत हो गया, जैसे स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों व परिजनों के द्वारा उसे गिरिडीह अस्पताल में ले जाके भर्ती कराया गया। इधर बताया जाता है कि खंडोली मोड़ स्थित आए दिन घटना घटती रहती है, जिससे जरूरत है पुलिस को सतर्क और अलर्ट रहने की। सरकार के निर्देशानुसार बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के जरुआडी पंचायत में विभिन्न गाँव में प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश व स्वीकृति पत्र, साथ ही कंबल वितरण गरीब लोगों के बीच किया गया। बताया जाता है कि इस दौरान सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, मुखिया सुमित्रा देवी, मुखिया पति राजेंद्र पंडित, पंचायत सचिव राजकिशोर यादव समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। इधर सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश किया गया व ले आउट कर स्वीकृति पत्र भी वितरण किया गया। कहा कि गरीब जो वंचित हैं उनके लिए भी हम लोग पहल करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक ही सपना था कि कोई भी घर कच्चा ना रहे, सभी पक्के में रहे। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बीएनबी, और फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते।